सिमगा तहसील में मेटालिक्स इंडस्ट्री खोले जाने को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। नेवधा में आयोजित इस जनसुनवाई में विरोध और सहमति के मिले जुले सुर सुनाई दिए। प्रभावित गांव के लोगों में ज्यादातर ने इंडस्ट्री खोले जाने पर सहमति जताई, तो वहीं मौजूद जनप्रतिनिधियों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। ये उद्योग स्थापित होना है जिसकी आज जनसुनवाई हो रही है, तो मेरी तीन विषयों पर आपत्ति है। पहला, इस जनसुनवाई के पहले प्रभावित गांव क्या जन ग्राम सभा क्यों नहीं ली गई, एक। दूसरा, जब उद्योग खुलना है केसदा खार में तो जनसुनवाई नेवधा में क्यों हो रही, केसदा में क्यों नहीं कराई गई, दो। और तीसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता क्या होगी। इस बारे में मेरा हमेशा यही कथन रहा है कि गाँव वाले अगर समर्थन करते हैं, उद्योग पर्यावरण के नियमों का पालन करता है और स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अंचल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका कोई भी उद्योग निभाती है। रही बात विधायक जी के विरोध की, तो विधायक जी तीन बार के विधायक हैं, नियम कानून के जानकार हैं। केसदा में उनका कोई विरोध नहीं था, उन्होंने सिर्फ वहाँ नौटंकी वाला विरोध किया। जो जनसुनवाई होती है वो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं, हम रिकॉर्ड करके उसको पर्यावरण विभाग को भेज देते हैं। चूंकि ये पर्यावरणीय सुनवाई है तो अधिकतर लोग ऐसी बातें नहीं रखते इसमें पर्यावरण का क्या नुकसान हो रहा है। कांग्रेस सांसद